ओके स्टूडेंट्स के लिए है, बहुत ही कॉमन बस आपको यहाँ पे दो तीन का ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल डायमैग्नेटिक रॉड, रॉड वो होते हैं ऐसे मटेरियल का बना होता है, दैट मींस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट टू बी मैग्नेटाइज्ड। ओके, तो और द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस डायमैग्नेटिक रॉड में जस्ट अपोजिट हो जाती है, ठीक है, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, अ थिन डायमैग्नेटिक रॉड इज प्लेस्ड वर्टिकली बिटवीन द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब करंट स्विच ऑन किया जाता है तो ये डायमैग्नेटिक रॉड पुश्ड अपवर्ड की डायरेक्शन में पुश हो जाता है, राइट, आउट ऑफ द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, अगर अपवर्ड पुश हो रहा है अपनी पोजिशन से तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी रॉड में, क्योंकि उसकी हाइट इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होता है पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में स्टोर होती चली जाएगी, राइट। सो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल रॉड, यहाँ पे एक ऐसे एजुकेटेड गेस भी लगाया जा सकता है कि कभी भी आपके लेवल पे, नीट के लेवल पे इतना अंदर घुस के नहीं पूछेगा, राइट। डायमैग्नेटिक रॉड उसके लैटिस स्ट्रक्चर की वजह से कुछ उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी ब्ला ब्ला ब्ला। तो पहला ऑप्शन ऐसे ही आप डिस्कार्ड कर सकते हो, चलो दूसरा ऑप्शन अभी छोड़ दो। तीसरे पे आते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक बार बताओ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की तो बात हो नहीं रही है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है तो फैराडे लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो नहीं रही है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, देयर वोंट बी एनी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड और करंट सोर्स दोनों वायबल ऑप्शन है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही तो ऊपर जा रही है, इट इज गोइंग अपवर्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, बट इट इज नॉट सो, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से जनरेट हो रही है, क्योंकि करंट स्विच ऑन किया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट में, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रही है ड्यू टू द करंट विच इज स्विच ऑन इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं ऊपर जा रही है, राइट, इट इज द करंट सोर्स जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, करंट सोर्स की वजह से वो डायमैग्नेटिक रॉड ऊपर जा रही है और उसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो रही है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, थैंक यू। और ऐसे ही क्वेश्चंस आप देखते रहो डेली, इवनिंग टाइम में ऐसे पोस्ट करता हूँ मैं, राइट। सो जस्ट एक एक दो क्वेश्चन देखते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। ओके, बाय।